गुस्सा भी आएगा। जब मैं वापस चलता हुआ आ रहा था गाड़ी की तरफ, तो मुझे इतना सख्त गुस्सा अपने पे आया, मैंने कहा यार इतनी तकलीफ में मैं बैठा हुआ हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बरकत सुबह के वक्त के अंदर है, और मैं सुबह पड़ा सो रहा हूं। इतना कभी ऐसा हो कि आपको अपने पे गुस्सा है? मुझे तो आता रहता कभी कभी। अच्छा, किसी को आता भी नहीं अपने गुस्सा? यार तो बहुत नेक तो है, हमें तो आता कभी कभी बहुत ज्यादा। तो मुझे इतना शदीद गम और गुस्सा था कि यार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो कहीं शीशा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत जो है सवेरे में है, और मैं सुबह पड़ा सो रहा हूं, तो मैंने अल्लाह के फज़ल से फैसला हो गया। खैर ऐसे कहना नहीं चाहिए, आपने ऐसा नहीं कहना, क्योंकि हम कम उम्र थे, असाज़ा थे नहीं पास समझाते। मैंने उस दिन ये कहा कि अब मैं मर जाऊंगा लेकिन फजर बाद नहीं सोऊंगा, बस मैं हाथ इसमें हमारा शीशा है, शायद फरिश्ता ना आ जाएंगे। एक बार ग्लास तोड़ चुका हूं, रोज टूट गया, तो मैंने कहा अब मैं मर जाऊंगा लेकिन फजर बाद नहीं सोऊंगा, बस। खैर ये आजम करके हम घर आए, घर पहुंचे। अच्छा, अब शादी भी नई नई हुई हुई थी। अब अहलिया ने पूछा, जी, तो मैंने कहा कि भैया आप आराम कीजिएगा, मैं तो नहीं सो रहा। तो मैंने ठीक है, वो आराम करने चले गए, हम बैठ गए। अब क्या किया, हमने किताब उठा ली। अगर किताब पढ़नी शुरू की होगी तो आप बताए क्या हो रहा होगा। एक बार आप एक्सपीरियंस हो यार कहने का, तो लोगों को पता है मतलब, बात नींद आ रही ना। तो मैंने, अगर ये मैंने नहीं कहा होता कि मर जाऊंगा नहीं सोऊंगा, तो मैं क्या करता पता है? मैं ये कहता कि आज मैं सो जाता हूं, 15 मिनट कम करता रहूंगा, और इंशाल्लाह मौत तक कुछ हो जाएगा। ये जो दिल को देखे ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है। हम दिलों को दलासे दे देकर जिंदगी गुजारते रहते हैं, ये भी गुजार लेता मैं, लेकिन अल्लाह का फजल हो गया था कि ये कह दिया मैंने, कहा नहीं भाई नहीं, अब तो कुछ हो जाए। फिर मैं कोशिश की, फिर कोशिश, जब नहीं हो सका, मैं एक तरीका है, अदनान भाई घर से निकल जाओ, दैट्स द ओनली वे। बाहर निकला, गाड़ी ली, जब मैंने आपका ना पहले से बहुत खूबसूरत इलाका था, मैं गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। 20-25 मिनट के बाद मैं ख्याल हुआ कि क्या 9 बजे तक ये करूंगा क्या? बहुत देर, मैंने क्या करूंगा, अकेले गाड़ी ड्राइव करो, क्या करूं? देखें, इस कमरे में अक्सर लोगों को अपने काम से भी बहुत प्यार होता है, तो मैं तो ऑफिस चले जाता हूं यार, ऑफिस चला गया। अब 5:15 बजे, कोई 5:20 पे हम ऑफिस पहुंचे, हु का आलम है। देखें, अक्सर लोग यहां प्रोफेशनल्स हैं, या घरों में भी जो खवातीन हैं बिजी हैं, तो बहुत दफा यह होता है कि काम पायलट कर रहा होता है। कभी ऐसा होता है कि काम पायलट करें? वो बहुत कम ऐसे मिट्टू होते हैं जिन्हें कोई काम पायलट नहीं होता। और हमारी क्लासेस में भी, स्कूल में भी होते थे, 1-2-3 ऐसे जिन के बच्चे, ये सारा ओवर टाइम पे होता था, पढ़ाई ओवर टाइम पे होती थी। हाँ भैया तुमने रिवाइज कर लिया? क्यों रिवाइज करो, वो तो 3 दफा कर चुका हूं। हाँ तो तुम क्या कर? मैं तो सोऊंगा। अच्छा अच्छा हाँ, और वो रिविजन तो 5 दफा कर चुका हूं, ये को नुमाइश कर। अरे भाई अच्छा ठीक है, जान छोड़ यार। वैसे होते थे कुछ दिन, देखो कम होते थे ऐसे। अक्सर बेचारे जो है वो काम पेंडिंग है, कोई रात को भी पढ़ना है, कोई होमवर्क भी रहता है, घर के अंदर वो टूटी जो है वो लीक कर रही है, समझे ना, और वो गीजर सही नहीं चल रहा, गर्म तो गर्म ही चल रहा है, ठंडा तो ठंडा ही चल रहा है, वो फोन के अंदर गड़ गड़ हो रहा है, ऑफिस के अंदर चीजें रहती हैं, फलाना रहता है, बच्चे को 2 लगाने थे, पर दिन हो गए लग नहीं पाए। तो घरों के अंदर चीजें पेंडिंग होती है, ऑफिस में चीजें पेंडिंग होती है, तो आज भी थी। अगर मैंने सोचा कि यार मैं ना पेंडिंग चीजों में काम करूं, जय भाई मैं काम करना शुरू किया, कुछ ईमेल्स थी, फलाना था, ये था। जब मैं काम करना शुरू किया तो मैंने नोट किया कि एक तो कोई फोन नहीं आ रहा, समझे, और कोई ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और सबसे एक और मजे की बात, घर से फोन नहीं आ रहा। कि नई नई शादी में क्या होता है पता है ना, आप सबका एक्सपीरियंस है, मेरे तो मत देखें हंस हंस के, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको याद नहीं आ रही थी, हम क्या जवाब देंगे? आप कहते हैं कि आ रही थी तो आपने फोन क्यों नहीं किया?
नहीं आ रही थी तो क्यों नहीं आ रही? जो लोग एक्सपीरियंस थे अमाला साहब की तरह जावेद साहब, इनको पता है कि क्या पॉलिटिकल आंसर होता है, लेकिन वो जो कम एक्सपीरियंस होंगे तो वो परेशान होते हैं। तो घर से फोन नहीं आ रहा। एक घंटा गुजरा, 6 बजे तकरीबन 45 मिनट, फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चंद दिनों का काम हो चुका है। चंद दिनों का, अभी 9 ही बजे, और क्या चीज शुरू हुई? निदामत, रिग्रेट, पशेमानी। और पशेमानी जो होती है ना, ये बड़ी वैल्यूबल चीज होती है, वो कीमती चीज होती है। इसलिए पशेमानी जो रहती है ना, वो जो आग होती है ना, उस पर हाई ऑक्टेन फ्यूल होती है। पशेमानी आपकी आग को ना भड़का देगी। मुझे वो सारे जिंदगी के दिन, साल, महीने दिमाग में घूमने लगे, जो हमने फजर के बाद सो सो के बर्बाद किए थे, वो अफसोस होना शुरू हो गया कि काश ये पहले मिल जाती बात। इसी यंग लड़कों को देख रहा हूं ना, बड़ी हसरत हो रही है, हाय तुम लोग तो कितने सही टाइम पे आ गए यार, कोई हमें पढ़ा देता, कोई समझा देता, कोई हमें भी ये बात बता देता। क्यों? कि जो है वो बताने वाले सो रहे हैं, सुनने वाले सो रहे हैं, कौन पूरी पूरी सो रही है। वो कहते हैं ना कि बड़ी शौक, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। न टीवी में किसी ने समझाया, न जुमे खुतबे में किसी ने ये हदीस सुनाई। हदीसें बहुत और सुनी हमने खुतबों में, ये हदीस कभी जुमे खुतबे में किसी ने सुनाई? अब तो सुनाएंगे ना हजरत, अब तो पूरा दो घराने हैं। इतना मुझे अफसोस, मैं एक्टिवा पब्लिक स्कूल से मैंने पढ़ाई की है, एक बोर्डिंग स्कूल है, उसमें चलो खूबी ये थी कि सुबह उठा के पीटी करवाते थे, समझे ना, अब पावे भगा रहे हैं। तो लेकिन हमारे जहन में ये था कि बहुत बड़ा जुल्म है, ये जेल है। और हम ये करते थे कि जब हमारी छुट्टियां होती थी तो लड़के आपस में, कोई है बोर्डिंग स्कूल के बताएं, आप समझ रहे बात, एक्टिवा पब्लिक स्कूल, हाँ ये थे, हाय हाय सैयद अलीम तुम तो अपना हमारे साथी के तो हो यार। हम एक कमरे में रहे ना, रूम 7 है ना, रूम 7 हम साथ थे। ये सोहेलवा पुलिस को मेरे स्कूल के सोहेलवा जी, सच्ची बताओ ऐसा नहीं करते थे हम, जेल नहीं समझते थे। अच्छा आप नहीं कहते थे बेटे हम घर जाएंगे ना तो सोएंगे। अच्छा अब घर आकर सोते थे। हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि ये सुबह सोना ना नहुसत होती है, हमें अपने अब्बा की बात समझ नहीं आती थी। अच्छा वो उठा देते हम जाए दूसरे कमरे सो गए। अच्छा वापस आकर स्कूल के अंदर सब लोग अपने यानी कहते हैं फखर के साथ बताते थे कि हम कितना सोए। यार मैं तो 2 बजे उठता था, अरे छोड़ यार मैं तो 11 बजे उठता था, अरे यार मैं तो 12 बजे उठता था, ओ मैं तो कभी कभी 2-2 बजे उठता था। एक ने कहा कि ओ भाई मैं तो 2-4 दफा ना उठा ही नहीं, मैं अगले दिन उठा। बोल कमाल यार तुम तो मैं तोप हो यार, तुम कमाल के आदमी यार, ये कैसे करता हूं यार मैं तो। अरे ये फखर था, अल्लाह हमें माफ करे, हमने जिंदगी ऐसे गुजारी, बर्बाद किए कितने साल, तौबा मेरी, अल्लाह मुझे माफ करे। इसी तरह हम किसी और को बच्चों को खुश होते देखते ना, तो ऐसा दिल में आग लगती है कि इन बेचारों मिट्ठुओं को पता ही नहीं है कि कर क्या रहे। एनीवे अब 9 बजे, उस जमाने में उस ऑफिस में हेड मैक करता था उस ऑफिस को, मेरे साथ 6-7 लोग थे। अब जब आप जो है 26,000 फीट की बुलंदी पे प्रवास कर रहे हो और वाले साहब आपके नीचे जो चिल्लू हो वो अभी रनवे पे पहुंचे हो, तो आपको कैसे लगते हैं? बड़े से बड़े कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं? क्या फीलिंग आती है? आप चलो यार चलो भाई हिलो। हमारे ऑफिस का ये रूल था, अल्लाह कहे कि आपके ऑफिस में ना हो, कि सुबह 9 बजे आते थे लोग तो सबसे पहले क्या करते, पता है अंग्रेजी करते हैं ऐसे ना ऐसे। हाँ अच्छा जी अंग्रेजी नहीं। और अमेरिका की एक खामी खूबी बताए, खामी क्या है कि कॉफी हर ऑफिस में होती है, कॉफी ये उसूल है, कॉफी हर ऑफिस में होनी चाहिए, ऑफिस वालों को कॉफी देनी चाहिए। गए कॉफी ली और वो बड़े बड़े मग्गे कॉफी ली, और चूंकि मुफ्त होती है तो आपको पता है ना एक पोनी पोनी हम कहते हैं मिसकंसेप्शन को, पोनी ये है कि जो चीज मुफ्त है वो खानी ही है।
शादियों में खाने लोग खाते हैं इसलिए नहीं भूख लगी, इसलिए मुफ्त है। जहां भी लोग खाने खाते हैं इसलिए नहीं कि भूख लगी है ये खाना चाहिए, इसलिए कि मुफ्त है, मुफ्त है। और आप नहीं खाएंगे तो कोई जानेगा आपको, इतना आप क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे यार पैसे पे किए। मैंने कहा वो तो सही है, लेकिन नहीं नहीं आप क्यों अपने पैसे जाए करें, अब खाएं। मैं कभी इतनी नहीं खाना। नहीं ये कोई बात नहीं, आप जो मुझे उलझ रहे मुझसे। मैं कहा नहीं भाई मैं नहीं खाना चाहता। कॉफी ली, बैठे, अब डिस्कशन होती थी कल क्या हुआ है आज क्या होना है, तो आधा घंटा तो इसमें लगाएंगे, फिर उठेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जब ये लोग आए उस दिन तो हो ही रहा था कि जब मैं अपना काम कर रहा था मैं समझ आ रहा था कि इसको ये काम देना है, 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 ये काम देना है। मैं पर्ची पे बंदे का नाम लिखता था, मुजफ्फर खान ये काम है, नफीस ये काम है, समझे ना। अब ये लोग जब आहिस्ता चलते रहे तो मुझे बुरा लगने लगे। हाँ तो क्या होता था कि वो टाइम बर्बाद, उस दिन मैंने क्या किया, जैसे वहां कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, तो मैं उसको पर्ची पकड़ाता था, वालेकुम अस्सलाम, चलो चलो। अब ये कहते हैं आज मीटिंग नहीं होगी, मैं कोई जरूरत नहीं मीटिंग वीटिंग की, भाई जरूरत क्या है, जो मुझे पता है तुम करना क्या है, चलो चलो चलो। तो कहते हैं आज तो बड़ी अजीब सी बात है, कोई अजीब अजीब बात नहीं, चलो चलो चलो। सबको लगा दिया काम पे, अब सब काम पे लगे हुए। सोच रहे थे क्योंकि मैं तो चिल्लू था ना, मैं तो चूंकि बॉस भी था, मैं एक और पोनी था, मैं तो बॉस हूं ना, दो तीन मिनट बाद में हो तो क्या हो गया, हमें टाइम मैनेजमेंट वैसे थोड़ी की थी। अच्छा हम तो तीन चार पांच मिनट बाद में आते थे, हम बॉस हैं। आज उन्होंने नोट किया कि ये जो बॉस हैं ये तो पहले आए हैं और सबको काम पे लगा दिया। आप तो खुशो खुशो कहते हैं हुआ क्या है। अच्छा ये काम पे लग गए, हम काम पे लग गए 10 बजे 11 बजे 12 1। मुझे ऐसा लगा कि और मजीद चंद दिन का काम हो गया। मैंने जिंदगी में नजमुल्ला साहब कोई हदीस इतने कम वक्त में याद नहीं हुई होगी जितनी ये हदीस याद हुई है, उस पेशेमानी की वजह से। बूरी का ले उम्मती थी बुकूरी हा, आप भी पढ़े मेरे पीछे बोले, बूरी का ले उम्मती फी बुकूरी हा, मेरी उम्मत की बरकत सवेरे में है। याद हो गई, जोहर हुई, फिर क्या हुआ, वापस 2 बजे 3 4 5 6, चंद हफ्तों काम हो गया और निदामत। देखिए जब हम कम उम्र होते हैं तो जर्व कम होता है, जर्व समझते हैं ना, वल्ला माफ कभी भी कम है। अगर हमारे वो हमारे साझा कार ना बैठे हों तो मेरे तो बहुत ही, मैं कहीं और चला जाऊं, उसे तो और जर्व कम था, वो चढ़ गई। ये बात हमारे दिमाग में इसने असर कर दिया। एक शेर है, जो जरा सी पी के बहक गया उसे नए कदे से निकाल दो। नहीं भाई, नहीं साहब, जो जरा सी पी के बहक गया उसे नए कदे से निकाल दो, यहां कम नजर का गुजर नहीं, यहां अहले जर्फ का काम है। यहां कम जर्फ का गुजर नहीं है ना, यहां तंग नजर का गुजर नहीं, यहां तंग नजर का गुजर नहीं, यहां अहले जर्फ का काम है। वो जर्फ तो था नहीं, वो चढ़ गया। मैंने क्या किया कि इस हदीस की बना ली तलवार, अल्लाह माफ करे मुझे, तौबा, और मैंने जाके चलाना शुरू कर दी। वो क्या किया, मस्जिद के अंदर सबसे पहले हमला हुआ। अजम साहब पहला हमला कहां हुआ, मस्जिद में। अब मैंने लोगों को पकड़ना शुरू किया और कहना शुरू किया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप फजर के बाद क्या करते हैं। पब्लिक शरीफ लोग बेचारे तो जी सोते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है। मैं कहा आपके पास टाइम की किल्लत है, लोग कहते हैं हाँ है, तो फिर क्यों सो रहे हैं। आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी, आप सोना मत सोएं। तो लोग शरीफ लोग क्या कहेंगे, अच्छा भाई हम देखते हैं। मैं क्या मतलब है देखते हैं आप, तो देखने का मतलब क्या है, आपको तकलीफ है ना बॉक्स की, हाँ है, तो फिर देखने का मतलब क्या है, अब मत सोए। अच्छा लोग कहेंगे अच्छा भाई नहीं अब कल नहीं सोएंगे आप, क्या मुसीबत है। अच्छा एक कुछ, अच्छा उस मस्जिद में थे अक्सर अरब
अच्छा अरबों को अगर आप छेड़ेंगे ना तो ये कोई कमाल नहीं होता सर। तो अरबों की एक अपनी नेचर है, समझे ना, अगर बहुत दिनदार वो नहीं है तो उसके अंदर थोड़ा सा ना एक इंतकामी नेचर होती है अरबों के अंदर, क्योंकि हमने बड़ा बहुत गुजारा अरब के साथ। अब पब्लिक बिचारी शरीफ कहेंगे अच्छा भी कोशिश करेंगे फलाना करेंगे, तो मेरा भाई मस्त है, एक गलती से कह दिया, नहीं भाई यार हम तो कमजोर लोग हैं। मैं क्या मतलब कमजोर लोग हैं यार, अल्लाह ने आपको इसकी दुनिया में भेजा है कि आप ये कहते फिर हम कमजोर हैं कमजोर हैं कमजोर हैं? अगर आप इतने कमजोर हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि दुनिया अल्लाह सुब्हान व तआला ने कमजोरों के लिए पैदा नहीं की, दुनिया अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहादुरों के लिए पैदा की है, मजबूत लोगों के लिए पैदा की है। अगर आप इतने कमजोर है ना तो लेक मिशिगन में छलांग लगा दें जाकर, वो एक लेक थी शिकागो में, लेक मिशिगन बड़ी मशहूर। क्या मुसीबत, अच्छा मैं पीछे पड़ गया पब्लिक के, मस्जिद में लोग परेशान अब तंग हो रहे हैं। अच्छा ये पहला नजला तो गिरा मस्जिद में, अब आए ऑफिस वाले, अब ऑफिस वालों का 9 बजे आना मुझे तकलीफ देने लगा कि हम तो 5 बजे पहुंचे ना, मैं 5 बजे पहुंचता हूं, ये चिल्लू सारे 9 बजे आ रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब किया दो दिन में, इधर आओ जी, और जो देख रहे थे वो कह रहे हैं, देखिए हर ऑफिस के अंदर हर घर में हर जगह आपको पता होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वक्त आपका साथ देंगे, वो आपके बड़े स्पेशल लोग होते हैं भाई साहब, ऐसे होता है ना। आप ये कहते हैं कि यार शिप से छाया लाना है तो 3 तो लगाएंगे क्योंकि आपने कहा, घर में भी आपके अहलिया लगाएंगे क्योंकि आपने कहा, आपने ट्राई नहीं किया ना, आप कहकर तो देखें अच्छा कुमार का है। तो जैसे हमारे घर में भी हमारी एक बेटी है वो 7 साल की, उसके नाम है नूरुल इस्लाम, उसको हम कहते हैं नोनी। अरे नोनी जो है उससे हमें कोई स्पेशल रिलेशनशिप है ना। तो यार घर में जब हमारा जिरगा होता है तो मैं कहता हूँ आज जो है वो पार्क नहीं जाते, आज घर में रहते हैं, सब बच्चे कहते नहीं बाबा पार्क चलते पार्क चलते पार्क मशहूर हो रहा है ना, तो वो कहती है हाँ घर में रहते हैं। नोनी हमेशा मेरे साथ देती है। अरे मैं कहता हूँ भाई देखो आज जो ना वो अब फजर से 1 घंटा पहले उठ के ना हम एक मीटिंग करेंगे, बच्चे कहते हैं कुछ बाबा ऐसा नहीं करें ना फजर से पहले बहुत, नोनी कहती है हाँ ठीक है। तो हर के पास कोई नोनी होती है या नोने होते हैं, तो मेरे पास उस ऑफिस में कुछ नोनिया कुछ नोने थे। तो मैंने जमा किया और मैंने कहा कि देखो भाई मैं सोच रहा हूं क्या ऑफिस का टाइम कर लें 5 बजे, तो जो मेरे ऑफिस में नोनी नोनिया थी ना वो भी मेरे साथ छोड़ गई। नहीं 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 ये नहीं हो सकता, अगर आपने कोशिश की तो हम जो है आपके बॉस को रिपोर्ट करेंगे, ये नहीं होने देंगे। मैं कहा यार नहीं, हाँ 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 खतकार हैं गुनाकार हैं यार वो हैं, हम सुबह नहीं आएंगे यार, बस हम 9 बजे आएंगे यार बस। मैं कहा तो रिएक्शन हो गया, ये तो सारे खराब हो गए। तो शेर है ना कि बाग बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तक किया था वही पत्ते हवा दे, वो हवा देने लगे सारे। तो मैंने दिनों सोचा कि ये गलत हो गया है, सर इनको ना आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना चाहिए एक एक करके, तो मैं सोचा इनको छोड़ देता हूँ आहिस्ता से पकड़ूंगा। इसलिए मैं टाइम लेने सेटअप किया पाकिस्तान के अंदर, तो मैं पहले दिन नहीं पकड़ा कचरा, एक एक करके पकड़ा, और 5-6 महीने बाद मैं काबू आए लोग, तो हमने फजरबाद काम शुरू किया। तो टाइम लेने फजरबाद शुरू हो जाती है और सब लोग जो है अच्छा अब तो हम हायर ही ऐसे लोग करते हैं जो इसके लिए तैयार होते हैं। अब हम घर पहुंचे तो घर में यह ख्याल आया कि यार ये तो अभी अभी शादी हुई है बेचारी आई है पाकिस्तान से, तो जाहिर पाकिस्तान से आते हैं खवातीन परेशान भी होती हैं, घर भी याद आता है, मैं इन पे अगर चलाया ना मैंने तो ये परेशान हो जाएंगे, इनको तो आराम से पकड़ूंगा। तो घर में जंग नहीं हुई। खैर एक इंग्लिश का मकूला है, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। अल्लाह सुब्हान व तआला को किबर और बड़ाई नहीं पसंद, और इस तरह की अगर हरकत की जाएगी तो इस बात का कभी अंदेशा है कि कोई अल्लाह की तरफ से आएगा। और चूंकि मैंने किबर किया अल्लाह मुझे माफ करे, लोगों को तंग किया, ये कोई शराफत नहीं है, शरीफ लोगों को तंग किया, वही मस्जिद में बेचारे आए वो पीछे पड़ गए। अगर आपने करना शुरू कर दिया मस्जिद में तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आराम आराम से लोगों को सलमान साहब, यहाँ तो मल्टीपल खतीब बैठे हैं इस कमरे में,
तो आप लोगों ने अपने जो मजमू को तंग नहीं करना, प्यार मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। अब आई मुश्किल, मुश्किल क्या हुई, पहले हम सो रहे थे 7-8 घंटे, अब वो नींद आ गई जनाब 4-5 घंटे एकदम से, मुझे आने लगी पूरा दिन नींद। अब नींद आए काम ना हो, नींद आए काम ना हो। फिर एक दिन मैं मगरिब की नमाज पढ़े घर जा रहा था, सिग्नल रेड हुआ। आप कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कभी ड्राइविंग करते ही नहीं आ जाती है, मैं हूं चन है ना, मैं भी उनमें से हूं। और मेरी तो बड़ी अजीब और गरीब हिस्ट्री है कि कितनी दफा ऐसा हुआ है कि नींद आई है, गाड़ी उतर गई है सड़क से, एक्सीडेंट हो गया है। एक दफा एक छोटी हाईवे में जा रहा था, वो नींद आ गई, और ना से नींद आ गई, ख्वाब शुरू हो गया, और गाड़ी मेरी जो है वो चलेगी दूसरी वाली लेन के ऊपर, और उसमें गाड़ी चली जा रही है, और सामने से 18-व्हीलर ट्रक आ रहा है। अच्छा अमेरिका में ये होता है, इंग्लैंड का तो नहीं पता, कि वो अगर आप ये हरकत करेंगे तो ट्रक हिलेगा नहीं, मारेगा आपको। ये बहुत उसमें हजारस वेस्ट होता है, बहुत उसके अंदर ऑयल होता है, कभी कुछ होता है, वो अगर हिलेगा उल्टेगा, तो वो क्या उसके इतने बड़े बंपर्स होते हैं, वो मारते हैं आपको, दे हिट यू। उनका ये होता है कि भाई उल्टेगा कुछ होगा तो मैं भी जाऊंगा, ये तो वैसे ही जाएगा, तो चलो एक तो बचे। तो उसने क्या किया, उसने हॉर्न बजाना शुरू किया, उनके बड़े बड़े हॉर्न होते अच्छा, और उसने लाइट्स मारनी शुरू किया, मतलब फुल लाइट्स ऐसी 18-व्हीलर की लाइट देखी कैसी होती मुंह पे आती है। और जब उसने हॉर्न मार रहे हैं और लाइट दे रहे हैं, मेरे ख्वाब में ऐसी आवाज आ रही है ना हॉर्न की, और मुझे रोशनी रोशनी महसूस हो रही है, और अल्लाह की से आग जब खुली है तो बिल्कुल मुंह पे था, और जब मैंने गाड़ी यू की तो इंचों से बची है गाड़ी। ये अलग बात है, उसके बाद नींद नहीं आई, कि मैं गाड़ी रोक ऐसे ऐसे ना, तो ये अलग का फर्क है कि बाकी जो 1/2 घंटा 1.5 घंटा था वो मैं बिल्कुल चाको चौपन किया, वो एड्रेनलिन का जो रश हो गया ना। तो ये चूंकि मेरी तारीख ऐसी है, अल्लाह माफ करे, तो मैं बहुत घबराता इस बात से कि गाड़ी चलाते नींद आए तो मैं घबराता हूं, और कोशिश करता हूं कि रोक के सो जाऊं या कुछ करूं। हुआ ये कि रेड लाइट थी, आग लग गई, पीछे से हॉर्न बजने लगे, वैसा मुख्तसर मैं घबरा गया, मैं घर पहुंचा परेशान, या नींद आ गई आग लग गई। हाईवे पर तो फिर भी मौका मिल जाता बचने का, लेकिन शहर की ड्राइविंग बहुत खतरनाक होती है, उसमें आपको नींद आई तो कोई मारेगा या कुछ हो जाएगा। तो मैंने फैसला किया कि यार खतरनाक है, मैं ईशा की नमाज पढ़ लेता हूँ घर पे, ठीक है ना। ये हमारे अपार्टमेंट्स थे, तो मैंने अपने अजिया से कहा कि मैं अभी ईशा नहीं पढ़ूंगा, मैं घर पे पढ़ लेता हूँ। तो कहा ठीक है, मैं कहा अभी ऐसा करें खाना सेटअप लगा दें, ईशा के बाद खाना होता था ना, तो मैं ईशा पढ़ लेता हूँ, खाना खा लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा ऑफिस, इसका मैंने आपको बताया था, ये था हमारा कमरा। अच्छा, जो मेरा अपना अपार्टमेंट था ये उसकी तस्वीर नहीं है, सॉरी, लेकिन ये उन्हीं अपार्टमेंट की तस्वीर, तो कमरा यही था। तो मैंने यहां नमाज पढ़नी शुरू की। अब हुआ क्या कि नमाज मैंने पढ़नी शुरू की, तो जब मैं सजदे में गया तो आग लग गई, और जो चंद दिन से परेशान था तो बड़ी अच्छी आग लग गई। तो बाद में पता चला, कहते हैं कि बाद में जब तहकीक हुई तो पता चला कि हुआ क्या हुआ, ये कि हमारी अहलिया साहबा बेचारी यहां से गुजरी, यहां बाथरूम से आगे यूं गुजरी होंगी, तो उन्होंने देखा कि शौहर नामदार जो है वो सजदे में है, फिर गुजरी तो सजदे में, 15 बार फिर सजदे में है। तुम्हें जहन में ख्याल आया होगा कि हमारे माँ बाप ने किसी मौलवी साहब के हवाले किया, ये तो पता था, इतने बड़े सूफी हैं, पीर हैं, मुर्शिद हैं, इसका तो नहीं पता। उसने क्या किया कि उसने झुककर झांका, वो ऐसे ना ऐसे करके ना ऐसे झांका ऐसे, तो क्या देगा कि जो है पीर साहब खुशू खुशू के साथ सो रहे, तुमने उठाया। अच्छा हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्या पूछूंगा कभी कि होता ही समझाओगे कुछ। तुमने जो उठाया तो मैं ऐसा लगा कि मुझे बिस्तर में डिस्टर्ब कर रही है, तो क्यों डिस्टर्ब करिए आप, तो कहीं नहीं देखें, अब तो देखो तो अजीब हो रही पोजिशन है, सब कुछ है, वजू भी टूट जाता है, मैं वो सॉरी। तो मैं गया और मैंने जाकर वजू किया, और मैंने कहा कि आप, मैं आता हूं नमाज पढ़। तो ये हमारा किचन था, और इस तरह से राउंड टेबल था,
جب دوسری بار نماز پڑھنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کہ سجدے تک تو نوبت نہیں آئی, وہ قیام میں آگ لگ گئی. اچھا آگ لگنے کے بعد جو ہے کوئی خواب شروع ہو گیا, تو میں اس میں چلنا شروع ہو گیا نا ایسے. ارے چلتے چلتے جب میں کچن میں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ جی اچھا آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو نماز شروع کرنا یاد تھا, ختم کرنا یاد ہی نہیں آ رہا. تو میں نماز پڑھ نہیں سکا رات کو, اور میں نے فجر سے پہلے اٹھ کر یعنی فجر کے وقت سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھی. اچھا جناب خیر ہم گئے مسجد, اب جن اربوں کو ہم نے چھیڑا تھا وہ آ گئے. اب کہتے ہیں اخی وے ور یو لاسٹ عشا تیری, اوہی عشا میں کہاں تھے؟ اور میں پھنسا, میں نے کہا کہ وہ میں نے گھر میں پڑھی. کیوں آپ نے گھر پہ کیوں پڑھی؟ آپ کو نیند تو نہیں آئی اس لیے نہیں گھر پہ پڑھی؟ تو میں یہ نا تھپک کے کہتے ہیں ہاں ہاں یہ چند دن چڑھتی ہے نا تو اتر بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں سلیمان گو ناؤ فجر کے بعد اینڈ گو اینڈ سلیپ ناؤ, لیک مشین میں چھلانگ لگا دو, فلانا کر دو. اور جو باتیں کہیں تھی نا وہ وہ آئی اوپر. تو میں کہا نہیں میں سوؤں گا نہیں. نہیں نہیں سو جاؤ سو جاؤ, عشاء بھی نہیں آ پا رہے نا, سو جاؤ جاؤ. ہوتا ہے کبھی کبھی سب کے ساتھ ہوتا ہے, دو چار دن کا غبار ہوتا ہے. لیکن چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ مر جاؤں گا نہیں سوؤں گا, میں کہا نہیں نہیں نہیں. خیر آفس گیا پریشان پریشان, مسجد میں تو ذلیل ہو گئے. اس لیے مسجد میں تو کوئی شہادت کرنی نہیں چاہیے, خصوصاً اپنی مسجد میں. اس لیے کہ آپ کی آفت ہے کوئی کرنا ہی کوئی شہادت کرے کہ جو آپ مسجد میں کریں, اپنی مسجد میں تو سب لوگ آپ کو جانتے ہیں سارے کام ہوتے ہیں. اس لیے نکاح بھی اپنی مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. اب تو لکھ لے لیں آپ, میرے ایڈوائز لے لیں, میرے ہمیں مشورہ لے لیجیے, کبھی سے بات کام آئے گا. اچھا ہوا کیا کہ اب پہنچے آفس, تو آفس نے نیند سے برا حال, پانچ بجے تھے. تو میرے کمرے میں خصوصاً میرے کمرے میں جو آفس اونرز تھے نا, آفس رینٹ پہ تھا نا, انہوں نے پتہ نہیں کیا ہوا میرے کمرے میں اچھا کارپٹ ڈالا ہوا تھا, سی ای او کا کمرہ. مجھے کارپٹ نکال پڑی تو میں نے سوچا کہ یار پانچ منٹ آرام کر لیتا ہوں. پھر مجھے خوف آیا خدا نا خاص تھا اگر میں سوتا رہ گیا اور میں نے نونی اور نونی آ گئی تو کیا ہوگا. میں کہا نہیں نہیں یہ نہیں کروں گا, میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ٹیبل پہ سر رکھ کے سوتا ہوں. اور وہ تو ماشاء اللہ سے ہی ہمارے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں نا انہوں نے تو سکھا دیا تھا. وہ کیوں ہم لے آ کر نیشنل آئی جاتے تھے پڑھنے کے لیے, اور وہاں یہ جن آتے تھے سارے نا میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ایس ایم سی ڈی ایم سی, یہ کرتے کیا تھے, وہ کرسی چھوڑی کرسی گئی. تو میں نے دیکھا کرتے کیا ہے لوگ, یہ کرتے ہی تھے یہ لوگ, یہ ڈاکٹر پتہ نہیں کرتے تھے, آپ تو کرتے ہی ہوں گے ڈاکٹر, تو خیر آپ تو کرتے تھے بولتے ہیں جی. ارے یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ, یہ کہ سر رکھے نا ٹیبل پہ سو جاتے تھے تاکہ سیٹ نہ جائے, اور ساتھ سینڈوچ رکھا ہوا ہے نا, اور وہ فرسٹ پروفیشنل کے امتحان ہو رہے ہیں اور سینڈوچ کھا رہے ہیں. اور میں نے کہا یار یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں, ہم تو انجینئرنگ کے لوگ ہیں ہمارے تو ایسا اسٹیمنا نہیں. تو میں نے بھی سیکھ لیا کہ اٹھایا تو سیٹ چلی گئی. تو میں صبح سائیکل پہ جا رہا تھا گلشن آباد سے, جب چھٹیوں میں آتا تھا کراچی تو جا کے بلیک نیشنل ہائی وے پہ کھڑا ہوتا تھا, کب کھلتی کب کھلتی. اچھا باقی یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے وہی کھڑے ہوتے تھے, جیسی کھلی لائبریری اندر گئے بیٹھ گئے اور شام تک بیٹھے رہے. اللہ معاف کے نماز اس پر ہم نہیں پڑھتے تھے اللہ توبہ, تو نماز کا بھی مسئلہ نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا دس منٹ سر رکھ کے سو جاتا ہوں. میں دس منٹ سر رکھ کے سو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں, وہ میرے آفس والے سب کھڑے ہوئے ٹیبل کے گرد اور کچھ بول نہیں رہے مسکرا رہے. تو میں نے سوچا کہ یار یہ سارے جن کے بچے انہوں نے آ کے چھاپا مارے سوا پانچ بجے اور سب آ گئے مسکرا, کوئی بول نہیں رہے مسکرا رہے. اور جب میری گھڑی پہ نگاہ پڑی تو نو بج چکے تھے. جو رہی صحیح عزت تھی آفس میں وہ بھی گئی. اچھا تو اس لیے پانچ بجے آپ ہمیں بلانا چاہتے ہیں,
कि हम सब टेबल पर सर के सोए हैं। भाई अगर सोना ही था तो घर पे सो जाते। और वही जो जुमले थे ना मेरे, लेक मुझे छनाए लगा दो और दुनिया गरीब कमजोरों की नहीं है और फलाने हैं और ये हो गया। या अल्लाह, मस्जिद में भी इज्जत जलील, ऑफिस में जलील हो गए, घर बच गया था वो इसलिए उनको नहीं छेड़ा था भाई, अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन ऑफिस घर में तो बहुत ही मुश्किल होती। एनीवे कहते हैं जब इंसान को चोट लगती है तो कौन याद आता है? डॉक्टर रफी बताएं बताएं बताएं, अल्लाह याद आता है ना। हमें तो बड़े बड़े फन्ने खानों को देखा है कि बड़े बड़ी बातें जो लोग करते थे, लेकिन जो चोट लगती है ना तो अल्लाह ही याद आते हैं। हमको भी अल्लाह याद आए। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो हो नहीं सकता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शाह साहब ये हो नहीं सकता। दो शाह बैठे, दो लोग सर हिला रहे, चलें दोनों शाह साहब। ये हो नहीं सकता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर तो सही हदीस है, दुनिया एक तरह दूसरे हो सकती है, हुजूर की बात गलत नहीं हो सकती भाई, हो ही नहीं सकती बात। भाई तकी साईं साहब ने एक तरह इतना हैवी डोज लगा दिया बयान के अंदर, या बयान है या मजमून है, भूल रहा हूं मैं, माजर, या तो उनका मजमून मैंने पढ़ा है या उनके बयान में, कि मेरी तो कहते हैं ये आदमी बदहवास हो जाए। उन्होंने ये कहा कि टखनों से ऊपर करो भाई शवारे अपने पैंट्स वगैरह, जिससे हुजूर ने फरमाया कि ये किबर की निशानी है, था इस तरह हमने भी सुना था। हम ये सोचते थे कि हमारे में तो किबर नहीं है ना, इसलिए हम नीचे करते हैं। तभी इस्लाम साहब ने फरमाया कि ये क्लेम करना, ये दावा करना कि मेरे में किबर नहीं है, ये खुद एक किबर की निशानी है। क्या आप भी दावा कैसे कर सकते हैं आप में किबर नहीं है? और जो असल डोज उन्होंने लगाया कि अगर तुम टखनों से नीचे छवाए रखोगे, इस बात का अंदेशा है कि किबर नहीं होना, तो अल्लाह पैदा कर देंगे, तो हुजूर की बात सच्ची कर देंगे अल्लाह। वो तो ऐसा है भी, सारे साथ मिलेगा वो दोस्त रहेगा भाई, घर आगे भाई बेगम से भाई काट दो भाई छवाए, काट तो अल्लाह के लिए। ये तो कोई बहुत ही खतरनाक बात है भाई। तो कहने में से ये था कि चोट लगती तो अल्लाह याद आते हैं, हुजूर की बात गलत हो नहीं सकती, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती। तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह के फजल से, बेटे हुजूर की बात तो गलत नहीं हो सकती, इस मामले में मेरे अंदर कोई मसला है। ये जो चल नहीं रहा मेरा दिन, नींद आ रही है, सारा एफिशिएंसी गिर गई, तो मैंने क्या किया, इस्तगफार किया, अल्लाह से माफी मांगा, अल्लाह भी माफ कर दीजिए, सॉरी गलती होगी, अब नहीं करूंगा, यही तौबा है ना। मुझे अल्लाह, मुझे ये गुमान है गालिब कि अल्लाह सुब्हान तआला ने ये तौबा कबूल कर ली है। नजमा साहब मेरा तो गुमान यही है, क्योंकि हुआ ये कि उस दिन सोच रहा हूं, पढ़ बैठ के सोच रहा हूं, सोच रहा हूं, सोच रहा हूं, परेशान हूं, एक ख्याल आया, ख्याल आया कैलूला, कैलूला, कैलूला किसे कहते हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत थी, मुस्तकिल के दोपहर में आधा घंटा सोते थे। अच्छा जनाब, हमें पता था कैलूला के बारे में, आप लोगों को ये बात तो पता है ना कि हुजूर सोया करते थे दोपहर में, अच्छा हमें पता थी। लेकिन मेरे दिमाग में दो जहरीले पोनी थे। पहला पोनी ये था कि कैलूला जो है वो जईफ लोगों के लिए होता है, क्योंकि हमने अपने नाना को करते देखा, दादा को करते देखा, नानी को करते देखा है ना, ये जईफ लोगों के लिए होता है। कमजोर लोग जो होते हैं थक जाते हैं तो सो जाते हैं। हम तो जवान हैं, सॉरी नौजवान है, जवान तो अभी हैं, नौजवान है, हम तो ताकतवर हैं। भाई साहब ऐसे आते कभी फीलिंग, हम तो स्ट्रांग हैं, हमें क्या जरूरत है यार। एक पोनी। दूसरा पोनी ये था कि यार जब आधे घंटे के लिए सोना है फिर उठना है, ये तकल्लुफ क्यों करें, खींच लो दिन को भाई, ये तकल्लुफ है ना, जाना डॉक्टर साहब, सोना फिर उठना, वो भी आधा घंटा सिर्फ, तो छोड़ो यार कर लेंगे, क्या होता है। ये हमारे पोनी के दो कहते हैं कि डूबते को टिंके का सहारा चाहिए होता है ना, मरता क्या ना करता। तुम्हें यहां ख्याल आया यार ये भी तो सुन्नत है ना, तो इसको भी चल आजमा लेते हैं। जबकि मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोया करता था, मुझे ऐसे याद है जब मैं छोटा था
हमें अम्मा सोया करती थी अक्सर। अच्छा हमारे काम अल्लाह माफ करे शरारत करते हैं बच्चे, हम भी करते थे। अब वो अम्मी को बड़ा पोता था कि ये जाके क्या करेगा, कुछ भरोसा नहीं इसका। अब जो है वो क्या करती थी कि जाएगा कुछ उल्टी सीधे काम करेगा तो इसको पकड़ो। तो ये करती थी मुझे पकड़ के ना ऐसे टाइट, जब मैं 4-5 साल रहता यूं करके ना सुलाने की कोशिश करती थी। तो मैं क्या करता था कि मैंने सीखा काम कि ना यूं आंखें बंद करके ना बिल्कुल यूं पकड़ ले, और जैसे अम्मी का हाथ नरम पड़ा या अम्मी सो गई आराम से निकले और अपने बिजनेस में लग गए। जिसमें एक काम यह था कि नानी साहिबा की कैप्सूल निकाल कर चुपके से उन्हें खाली करके मिट्टी भर के वापस डाल, माफ करो ये सही हरकत। इसलिए तो वो चाहती थी मैं सोऊं। अरे अल्लाह माफ करे, मैं उसको 4-5 साल में ये समझ आता था ये बड़ा काम है। तो भाई नानी बताई कितनी मिट्टी खाई है। यही तो निकल गए बाहर अपनी बहन के हाथ पकड़ के और रास्ते घूम गए और घर ही नहीं मिल रहा। और चंद घंटे से बच्चे दो गायब, यानी एक 5-6 साल का बच्चा, एक 4-5 साल की बच्ची, मिल ही नहीं रहे। पूरा खानदान परेशान, सब ढूंढ रहे, हम फिर रहे गलियों में, हमें घर नहीं मिल रहा। फिर शाम तक वापस आ गए हम घूमते फिरते, तो अच्छा जमाना था, लाहौर था, तो इसलिए माँ हमें पकड़ती थी। अब चक्कर ये था कि वो हम सोते नहीं थे। इस दौर मुझे ख्याल आया कि बेटा सो लो। मैं अपने घर में कॉल किया अहलिया को, मैंने कहा कि मैं आगे आराम करूंगा। उस जमाने में यूएस में चल गई थी एक लहर, एक आइडिया चला हुआ था फ्लेक्सी टाइम। सुना फ्लेक्सी टाइम? फ्लेक्सी टाइम मतलब यह है कि अगर आप 1 घंटा पहले आ जाएं ऑफिस, 1 घंटा बाद में 1 घंटा पहले चले जाएं, 2 घंटे पहले आए 2 घंटे पहले चले जाएं, आप अगर अपने 8 घंटे अपनी सहूलत से पूरे करके चले जाएं। ये बड़ा अभी भी कॉमन है कि ये प्रैक्टिस होता है। हमारे ऑफिस में भी फ्लेक्सी टाइम शुरू हुआ था चंद दिन पहले। तो अगर मैं 5 बजे ऑफिस आ रहा हूं तो 1 बजे तक तो 8 घंटे पूरे हो चुके हैं, उसूली तौर पर घर जा सकता हूं। तो खैर मैं घर चला गया, घर जाके मैंने खाना खाया, नमाज पढ़ी, सो गया, या नमाज पढ़ी खाना खाया सो गया। तो आधा घंटा नहीं सोया होगा मैं, तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे सोता रहा। लेकिन जब मैं उठा हूं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं 8 घंटे सोया हूं भाई, फ्रेश। और चंद दिन के बाद अब मैं ईशा में पहुंचा, वो अरब मिले सारे, कहने लगे कि नाउ यू आर स्लीपिंग आफ्टर फजर, नाउ अब तुम सो रहे हो फजर के बाद। तो मैंने क्या जवाब दिया होगा? जी नहीं, मैंने जवाब दिया बस आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा। दूध का जला जो होता है ना वो छाछ ही फूंक फूंक के पीता है। मैंने बेटे कुछ मुंह से निकाला और फंसा भाई, मैं तो अब तो अल्लाह के बाद फूल रह गया यार। चुप करके बैठो, चुप रहो बस, बहुत चुप रहना ना बहुत बेहतर होता है। खामोशी भी बहुत वैल्यूबल चीज होती है, ज्यादा चीजी करने से आदमी फंसता है, चुप रहना अच्छा होता है। जब उमूमन तो मैं चुप नहीं रहता, नहीं कभी कभी चुप रहता हूं तो लोग मुझे कहते हैं आप आज बड़े खामोश हैं। तो मैं क्या, मैं कहता नहीं भाई खामोश ही रहना चाहिए यार, कभी खामोश भी तो रहना चाहिए। तो खैर अब हम पहुंचे ऑफिस में फ्रेश। दूसरे दिन मैंने फिर करूला किया, अब वो जो टाइम था वो कम होने लगा है नजर भाई, वो कम होने लगा। 2.5 से 2 घंटे आया, फिर 1.5 घंटे हुआ, फिर 1 घंटा हुआ, फिर अल्लाह की शान देखिए 0.5 घंटे से लेके 45 मिनट के दरमियान आ गया। और मेरी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब आ गया। क्या इनकलाब? रेवोल्यूशन आ गया। एक हदीस से रेवोल्यूशन, अल्लाह बने। वो इनकलाब क्या है आइए उसको देखते हैं। कि देखें जब हम दिन शुरू करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है, जैसे अभी सुबह तो हाई है ना, फ्रेश फ्रेश है अगर रात को सोए हैं तो, और ये टाइम है तो हमारा एनर्जी लेवल जो होता है वो फिर गिरता है आहिस्ता आहिस्ता, पहले कम करता है करता है करता है करता है, फिर रात को बिल्कुल एकदम से गिरता है। ऐसे होता है नॉर्मली। तो जब शाम होती है, रात होती है और हमारे सुहेल नदीम साहब माशाल्लाह से हमारे रूममेट और उस जमाने में हमारे डॉक्टर
सारी गोलियां इनके पास होती थी बीमारों के लिए, इनके अम्मी डॉक्टर थे ना, तो सब गोलियां खिलाते फिरते थे। तो सैयद अजीम साहब जो है हमारे, तो इनकी बहुत सी कहानी और भी हैं जो कि हम नहीं सुना सकते, लेकिन अच्छे आदमी थे शरीफ आदमी। तो सैयद अजीम साहब शाम को पहुंचते हैं घर, तो कैसे पहुंचते होंगे दिन भर काम करने के बाद, ऐसे पहुंचते होंगे ना ऐसे। ये वो लम्हात होते हैं, दिल ये चाहता है कि बेगम साहिबा जो है हाथ पकड़ के बिस्तर तक ले जाएं और खाना भी वहां सर्व करें और पांव भी दबा दें और घर में खामोशी हो, बच्चों ने होमवर्क कर लिया हो, नहा धो भी लिया हो, कारी साहब से भी पढ़ लिया हो और सोने के लिए बिल्कुल तैयार हो, गली में ना लड़े हो, किसी का शर्ट ना फाड़ा हो और मौलवी साहब से भागे ना हो और स्कूल के अंदर किसी की किताबें अपने बैग में रख के ना लाए हो और वो सब लाइन में खड़े हो और बारी बारी आए और पेशानी को बोसा दें और जाके सो गए। ये दिल्ली जाओ उस वक्त, देखिए आप अपनी जिंदगी कैसे मत आप पता नहीं जाता नहीं जाता। और बेगम साहब ये ना कह दें अम्मी के पास जाना है, ये ना कहें अल्लाह के लिए कुछ और कह दें, डायपर क्या कहते हैं, डायपर जाके ले आता यार, डायपर खत्म हो सकते हैं लेकिन ये ना बोले अम्मी के पास, अम्मी के पास नहीं भाई, अभी आपके अम्मी के पास नहीं। वो उस वक्त क्योंकि एनर्जी खत्म हुई थी ना। अब मेरे साथ क्या हुआ, अल्लाह के फजल से कि दिन शुरू हुआ, एनर्जी ड्रॉप हो रही है, इस पॉइंट आके हमने कर लिया कैलूला। जब कैलूला किया तो ये 100% नहीं तो 90% एनर्जी रिप्लेनिश हो जाती है। किसी को ऐसा फीलिंग हुई कभी, अल्लाह का निजाम है यार कि आधे घंटे में एकदम से रिप्लेनिश, भाई साहब फील हुआ कभी? अब मुझे बताइए कि अगर ये जो है पैटर्न ए है एनर्जी के गिरने का और ये जो है पैटर्न बी है एनर्जी के गिरने का, तो इस पॉइंट के बाद एनर्जी पैटर्न ए से गिरेगी या पैटर्न बी से गिरेगी? ए से गिरेगी ना भाई, क्योंकि आपने फिर रीसेट कर दिया है, उसी से गिरेगी। अब होना यह शुरू हुआ कि पैटर्न ए से गिरने लगी, ठीक है थोड़ा सा ज्यादा गिरेगी लेकिन ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इवनिंग के टाइम्स हैं जिसमें मेरी जिंदगी लो एनर्जी के साथ गुजरती थी, अब वो एनर्जी हो गई हाई, हाई एनर्जी। मिसाल तौर पर अब अगर सैयद अजीम साहब कैलूला करने लगेंगे तो फिर ये ऐसे थोड़ी आएंगे, ऐसे फिर सैयद अजीम साहब यूं पहुंचेंगे, दे रहा हूं मैं आ गया हूं, ऐसे ही पहुंचेंगे ना, और कैसे पहुंचेंगे, तो हाई एनर्जी ना आएंगे। अब आप देखिए कि दो दिन हो गए, 1 से 4 से लेकर 1 बजे तक 9 घंटे एक दिन, और दूसरा 3 बजे से लेकर 11 बजे फिर 1-8 घंटे। और जो मैं 7-8 घंटे सोता था, मुझे समझ आ गई कि तो फजूल बर्बाद करता था, क्योंकि अब तो मेरा दिन जो है वो 5-6 घंटे में बिल्कुल सही चल रहा है फ्रेश। अब क्या हो, देखें मैं आपको अपनी जिंदगी का कुछ नचोड़ देता हूं, कुछ चोटें समझे। अगर आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है और आपका पर्सनल टाइम वो टाइम जो आप अपने साथ बैठते हैं होना चाहिए, दिन में 1/2 घंटा 1/4 घंटा होना चाहिए अपना साथ, उसमें जिक्र करें, सोचें, कोई प्लानिंग करें, अपने साथ रहें। अगर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और आपका पर्सनल टाइम प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहा, आप क्राइसिस में आ जाएंगे, करके देख लें आप। जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो कामयाब लोग होते हैं, उनका पर्सनल टाइम बहुत बड़ा होता है, या तहज्जुद से होता है, तहज्जुद पहले से होता है,
और जो नाकाम हो जाता है ना आदमी, वो होता है जो हर वक्त किसी के साथ हो, जो पर्सनल टाइम में आदमी सोचता है, फिक्र करता है, जिक्र करता है, कुछ करता है, वो अपने बिजी टाइम को प्लान करता है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की अपनी जिंदगी की, अपने दिन की, अपने हफ्ते की, तो आप मौजों के हवाले होंगे, आप मौजों को नहीं चीर कर निकलेंगे। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यही तमाम होती है। अल्लाह का फजल यह हुआ कि अल्लाह ने मुझे एक हदीस की बरकत से, मैं सोचता हूं पूरे दिन में चलेंगे तो क्या होगा, हम तो दुनिया कुछ फतह कर ले हमारे साथ वाकई, क्योंकि दुनिया को फतह करने के लिए अपने आप को फतह करना जरूरी होता है। जो कौम अपने आप को फतह नहीं कर सकती वो दुनिया को फतह नहीं कर सकती है। हमारे यमीनुद्दीन साहब जो है ना, जो ट्रेनर है, उनका दोस्त तो वैसे हाई होता है। मैं कहता हूं वो दुबई की टैक्सी है जो एयरपोर्ट से चलती है ना, वो चलती 25 दिरहम से शुरू होती है। वो मैं उनसे कहता हूं ऐसे से तो पढ़ाया करो, कहते नहीं मैं शुरू से हाई रखता हूं। वो ये कहा करते हैं, जो शख्स सुबह बिस्तर में नींद से जंग जीत नहीं सकता, वो जिंदगी को जंग जीत नहीं सकता है। अजमल साहब क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सही बात है, जो हमारे एक्सपीरियंस लोग आप, भाई साहब क्या आपका ख्याल है? सही है, बिल्कुल सही है। अब हुआ ये कि जनाब अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक हदीस की बरकत से मुझे 4 घंटे दे दिए पर्सनल टाइम, यार 4 घंटे, 5 से लेके 9 बजे तक मैं हूं और मैं हूं, बस सारी प्लानिंग सारी सोच शुरू हो गई। फिर जब 9 बजे मेरी टीम आई तो मैं तो फुल 26 या 24 हजार फीट की बुलंदी पर उड़ रहा हूं। वो तो आ गए ना झटके में, वो तो बिल्कुल ही पकड़ में आ गए, क्योंकि जिस ग्रुप का बॉस चिल्लू होगा ना उसके नीचे मिट्ठू भी चिल्लू हो जाएंगे। चिल्लू उस शख्स को कहते हैं जो बेगम होता है, हमारे ड्राइवर साहब की जुबान में ये बेगम है, वो कह देते हैं। ये शख्स होता है जिसको विजन क्लियर नहीं होता, कुछ नहीं गुजारा होता है। और एक बस के पीछे में लिखा हुआ देखा था, न किस्मत की खूबी न कमाल ड्राइवर, बस के पीछे लिखा हुआ था, ना किस्मत की खूबी ना कमाल ड्राइवर, चली जा रही हूं खुदा के सहारे। शुक्र है पीआई बेहतर होना शुरू हो गई, वरना इसके पीछे लिख देना चाहिए। पीआई तो अच्छी होने लगी, अल्लाह का फजल है। तो इस शख्स के पीछे लिखा होता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में चिल्लू। और मिट्ठू होता है जिसको पूरा विजन क्लियर होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, किसे मुक्का मारो तो कितने मारने और किस ताकत से मारने। तो अगर बॉस चिल्लू हो गया ना तो नीचे मिट्ठू भी चिल्लू जाएंगे। चर्चिल साहब बड़े समझदार आदमी थे, वो कहा करते थे, अ डेन ऑफ अ फ्लॉक ऑफ शीप led by a lion, no, a den of lions led by a sheep is no match for a flock of sheep led by a lion। यानी बकरियों के रेवड़ के ऊपर शेर बैठा हो ना, वो ऐसे शेरों के रेवड़ पे हावी हो गए जिसके ऊपर बकरी बैठी हो, जैसे तुम वहां बैठा हो। अब हम तो शेर हो गए 9 बजे तक, तो बिल्कुल अब वो आ रहे सारे हमारे मिट्ठू। 4 घंटे में डेलीगेट कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, दोपहर हुई कहवा करके मैं वापस ऑफिस आ जाता, तो मैं आता तकरीबन 3 बजे, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे में बहुत टाइम है भाई, कहवा करने का, खाना खाने का, नमाज पढ़ने का। ये काम तो अब हम 1 घंटे में कर लेते हैं, उसे तो 2 घंटे लगा देते हैं हम आराम आराम से। 3 बजे आगे क्या करता था मैं, फॉलो अप, चाहे घर का मामला हो, खवातीन बैठी हैं, या ऑफिस का मामला हो, हमारे काम सफर जब करते हैं, जब हम फॉलो अप नहीं करते टाइम पे अपने लोगों से, काम दे दिया पूछा ही नहीं, वो ये लोग फिरते रहे, लोग फिर रहे फिर रहे। मेरा हाल ये था कि 2-2 हफ्ते लगते थे फीडबैक देने में अपनी टीम को, रिपोर्ट के ऊपर, फाने के ऊपर, फाने के ऊपर।
अब क्या हुआ कि अब रियल टाइम में फॉलो अप आने लगा कि वहां खड़ा होकर मैं पूछ रहा हूं क्या हो रहा है, रिपोर्ट कैसी चल रही है, फलाना कैसे चल रहा है, कंटेनर का क्या हुआ, वो सामान का क्या हुआ, वहां से खरीदना था वहां भेजना था, फलाना अस्पताल का क्या हुआ, सब पे खड़ा हो गया था मैं। अगर आप आदमी को टाइम पे फॉलोअप करेंगे तो गलती इतनी बड़ी होगी ही नहीं। तो मेरी टीम की एफिशिएंसी तो ऊपर चलेगी। अगर आपकी टीम की एफिशिएंसी ऊपर जाएगी वाले साहब तो आपकी एफिशिएंसी कहां जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। लेकिन भाई अभी तो 5 बजे है ना, अब क्या करूं, एनर्जी अभी भी है। मेरी वालदा को मैंने एक दफा कहा था कि आप आइए, वो आई थी 95-96 में। वो जमाना मेरा बहुत अनहेल्दी जमाना था, वजन तकरीबन को 90 के करीब पहुंच चुका था। अगर सोचता हूं वहां की तस्वीर निकालूं कभी दिखाऊं आपको, आप बड़े परेशान होंगे। अम्मी ने तक मुझे कह दिया कि बेटा तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। लेकिन जब मां कहती ना आपने क्या हाल बनाया हुआ है, इसमें आपने कुछ हाल बनाया हुआ है। वरना मां को मोटा मोटा बच्चा खुद से पाकिस्तानी माओ को अच्छा लगता है, हेल्दी है, हेल्दी है। इधर वजन कम किया, मेरी सांस और परेशान हो गई। मैं अहले से पूछने की इसको देखो, आप देखो भाई ये परेशान तो नहीं है, बीमार तो नहीं है। मैं समझा मैं बीमार नहीं हूं भाई, मैं बेहतर हो गया हूं। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करो। मैं क्यों, नहीं नहीं भाई बेटे वो ज्यादा अच्छा लग रहे तुम। अरे भाई अच्छा क्या लग रहे थे यार, हम ओवर वेट थे। नहीं उनको ओवर वेट अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारी अम्मा ने भी कह दिया तुम्हारा क्या हाल है, तो मैं कुछ करूं। अब एनर्जी भी थी, मुझे शौक है टेनिस का। मैंने कहा चलो टेनिस खेलना चाहिए। अल्लाह की फौज से कम्युनिटी कॉलेज है हमारे घर के करीब था, मोरेन वैली कम्युनिटी कॉलेज, इन लोगों ने जो है वो बनाए हुए थे टेनिस कोर्ट। अच्छा वो भी एक नहीं छे, वो कॉन्ट्रैक्टर का चक्कर होगा मेरे ख्याल से, वो पाकिस्तान में तमाम भी होता है। वो भाई दो बनाते चार बनाते छह कोर्ट्स। कम्युनिटी कॉलेज के बच्चों को टेनिस खेलने का शौक नहीं होता, वो नए नए हाई स्कूल से आते हैं उन्हें और शौक होते हैं उनके। कोर्स सारे खाली, मैंने यार पूछ लिया, मैं कभी मैं खेल लूंगा खेल वीडियो लिफ्ट, मैं कहा लिव इन द कम्युनिटी, श्योर नो श्योर, कौन पूछता है। हमने जाकर खेलना शुरू कर दिया, अल्लाह का फजल टेनिस पार्टनर भी मिल गए, वो थे भी खान साहब। उनकी गेम तो बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन स्टेमिना बहुत था, वो थकते नहीं वो खान साहब। अब आप कितना खेलेंगे ना, आप अच्छा भी खेलते हो तो सामने वाला स्टेमिना है तो स्टेमिना भी मार देगा वो आपको। अब वो जनाब टेनिस शुरू हो गया, जो लोग टेनिस खेलते हैं, मैंने कराची ओपन भी खेला एक दफा, तो उसमें रूल ये होता है कि टेनिस इज ए हार्ड सर्फेस राइट, तो आपको रोजाना नहीं खेलना चाहिए, एक दिन खेलें एक दिन उसको ऑफ दें ताकि बॉडी जो है वो रिकवर कर सके, वरना आपकी इंजरी होगी, समझे ना। डॉक्टर साहब रोजाना नहीं खेल रहे, वेरी नाइस, समझदार आदमी, क्योंकि आपके नीज के ऊपर बहुत एंकल्स पे प्रेशर पड़ता है। तो एक दिन हम टेनिस खेल रहे हैं, जब टेनिस खेलना शुरू हुआ वजन कम होना शुरू हुआ तो एनर्जी बढ़ेगी कम होगी, एनर्जी बढ़ना शुरू होगी। अच्छा जनाब अब हमारा ख्याल आया अपनी बेगम साहब का, क्योंकि शादी के पहले 3 महीनों में ये बात शुरू हो चुकी थी, आप हमें टाइम नहीं देते, आपका ऑफिस इंपॉर्टेंट है, हम भी पढ़े हैं राहों में, इस तरह की बातें हमें भी पूछ लें, इस तरह की बातें कभी हो सकता आपने ना सुनी हो लेकिन कुछ लोगों ने सुनी होती हैं। तो मुझे दिल में ख्याल आया कि अब आओ मैदान में, टाइम देते ना, अब टाइम देते हम, अब हम टाइम कैसे दें, शरिया कंप्लायंट टाइमिंग कैसी होगी, सोचे तो सही, सिनेमा नहीं जा सकते, फलानी जगह नहीं जा सकते। तो अल्लाह का एक और फजल हुआ, फजल ये हुआ कि बहुत सालों पहले इस बात को हो गया और कोई 60-70 साल पहले, कुक काउंटी जो है जो कि जिसके अंदर शिकागो आता है, उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम लोग फॉरेस्ट प्रिजर्व्स बनाएंगे। क्या मतलब है कि चंद हजार एकड़ जमीन लेकर उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया फॉरेस्ट प्रिजर्व, यानी ये फॉरेस्ट के लिए जगह है, यहां जैसा हमारे भी पाकिस्तान में माशाल्लाह पार्क है ना, वहां आबादी नहीं आ सकती, बड़ी सड़क नहीं बन सकती, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, ये सिर्फ फॉरेस्ट के लिए।
तो ये जो देखें ये मैप है, जितने ग्रीन एरिया नजर आ रहे हैं ना आपको, नजर आ रहे, ये सारे ग्रीन एरियाज आर फॉरेस्ट प्रिजर्व्स। अब हुआ क्या कि शहर बढ़ता चला गया, वो फॉरेस्ट शहर के दरमियान आ गए। तो शिकागो का जो कहते हैं ग्रेटर शिकागो जिसे कहते हैं, उसके दरमियान में फॉरेस्ट प्रिजर्व्स हैं बड़े बड़े, न्यूयॉर्क में नहीं है इतने, क्योंकि वहां किसी ने इसका सोचा नहीं, कोई विजन नहीं था। एलए में नहीं है, लॉस एंजलिस में नहीं है, लेकिन शिकागो में है, कोई समझदार लोग थे उन्होंने कर दिया। अच्छा जनाब, ये है वो फॉरेस्ट। अब मामला ये था कि जब मैं गुजरता था फॉरेस्ट प्रिजर्व से, तो मैं देखता था कि पार्किंग बनी हुई है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो मैं सोचता था कि लोग बीच में वॉक वॉक करते होंगे। लेकिन कभी भी आप हैरान होंगे, इतने साल मैं रह चुका था उस वक्त, यानी मैं शिकागो गया था 1994 में, और 97 तक 3 साल में शिकागो में रहा, एक दफा भी मुझे मौका नहीं मिला, मेरे वक्त में इतनी बरकत नहीं थी कि मैं रुकूं और कभी जाके देखूं कि क्या है, नॉट इवन वंस। अब टाइम आ गया तो मैं ऐसे कहा चलो फॉरेस्ट प्रिजर्व चलते हैं, वॉक करते हैं। जब वॉक करने शुरू किया तो पता चला कि सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अल्लाह का फजल है, ये देखें ये एक्चुअल फॉरेस्ट प्रिजर्व है शिकागो के। अंदर गए तो जो है वो लेक्स बनी हुई है, बेंचेस पड़े हुए हैं, ये आपका बारबेक्यू की ग्रिल लगी हुई है, छोटी छोटी कश्तियां खड़ी हुई हैं। अच्छा, वो भी सब्सिडाइज, $5 दे दें और एक घंटा कश्तियां फिरते रहे, और बच्चों के लिए एक्टिविटीज हैं, ये सारे शिकागो के फॉरेस्ट प्रिजर्व हैं। अच्छा, साइकिल ले लें तो साइकिल चला लें, साइकिलें भी कभी आपको रेंट पे मिल जाएंगी, किराए पे साइकिल ले लें और चलाएं। बर्ड सेंचुरीज हैं, अगर बच्चों को ले जाएं तो बच्चों के साथ आप बैठें। और वो है चंद हजार एकड़, महीने भी लगा लेंगे ना आपके फॉरेस्ट प्रिजर्व खत्म नहीं होंगे। देखिए, रिलेशनशिप्स का एक रूल है जो आपको पता है, अगर आप टाइम पे रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में मसला नहीं होगा, है ना। हम देर कर देते हैं बच्चों को टाइम, बाद में देर कर देते हैं बेगमा को टाइम, देर कर देते हैं वालदेन के साथ टाइम लगाना, देर कर देते हैं तो बाद में मसले खड़े हो जाते हैं। हमारे उस्ताद रहमान साहब ने एक दम घर बुला के शेर लिखाया, वो शेर ये था, गांव वालों के लिए वो एक बला हो जाएगा। 9:59 AM गांव वालों के लिए वो एक बला हो जाएगा, शाम को मोहलत मिली तो अजदा हो जाएगा, रोशनी फैलाने वालों को सजा दी जाएगी जब अंधेरा शहर का फरमा रवा हो जाएगा। अब हमने प्रीएम्प्टिवली टाइम देना इशू किया अपने बेगम साहिबा को। यूएसए में इशू यह है कि वहां डोमेस्टिक हेल्प बहुत एक्सपेंसिव है, मासियां नहीं मिलती आराम से और बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो हमारी खवातीन बेचारियों को खुद काम करना पड़ता है, कपड़े धोना है, घर सेट करना है, फलाना फलाना फलाना। तो वो मुबारक लम्हा अल्लाह सुब्हान व तआला हमें दे दिया, जिसके लिए बहुत से शौहर हजरात पूरी जिंदगी तरसते रहते हैं। वो जुमला ये था कि प्लीज अब आप कोई और काम भी कीजिए। इसलिए कि मुझे घर का काम भी करना है, एक्सरसाइज हो चुकी है, ऑफिस काम हो चुका है, अहलिया ये कह रही कुछ और काम कीजिए, और अभी भी एनर्जी बाकी है, अभी भी टाइम बाकी है, इतनी बरकत है, तो अब क्या करूं। उसके बाद मैंने क्या किया वो इंशाल्लाह वक्फे के बाद। तो जरा कोई खैर वक्फा हो चुका है, लेडीज फर्स्ट है। हाँ, तो रूल ये है कि लेडीज फर्स्ट, तो ऑल ऑफ प्लीज निकलते चले जाएं, और बाहर आपके ये रिफ्रेशमेंट के बॉक्सेस हैं वो लेते चले जाएं, और आप लोग पहले